योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है रूंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रूंगटा। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। रोहतक से संदीप हमारे साथ है। संदीप पूछिए, क्या है आपका सवाल? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैडम मेरे पास तीन सवाल हैं। अच्छा, फर्स्ट सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि LIC टर्म पॉलिसी है मेरे पास जीवन आनंद, ये कॉस्ट सम अश्योर्ड है ₹5 लाख जी, और टाइम है 25 ईयर्स। इस पॉलिसी के लिए मैं ₹10,200 के आसपास पेमेंट प्रीमियम करता हूँ। मैं जल्द जानना चाह रहा था कि मेरा डिसीजन इस पॉलिसी के साथ जाने के लिए ठीक है या नहीं, बिकॉज क्योंकि मैंने सिर्फ 2 ही प्रीमियम पे किए हैं अभी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैम ये कि मैं छोटे ब्रदर के लिए पॉलिसी लेना चाहता हूँ, ओनली फॉर टैक्स सेविंग, सैलरी 20,000 रुपीज, तो मैं इसी पॉलिसी के साथ दूसरी सजेस्ट करेंगे। संदीप, आपने जो जीवन आनंद ली थी वो क्यों ली थी, मतलब उसका पर्पस क्या था लेने का? सिर्फ टैक्स सेविंग था और दूसरा इन्वेस्टमेंट भी था कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हमें सजेस्ट करना लेना चाह रहा था ताकि मैं फ्यूचर के लिए अपनी सिक्योरिटी रख सकूं। ऑल राइट, आप टर्म प्लान की तरफ फोकस नहीं कर रहे थे, मतलब सम अश्योर्ड लाइफ कवर जो मिलता है वो आपका फोकस एरिया नहीं था? हाँ जी। अच्छा, हर्ष पहला सवाल जीवन आनंद से जुड़ा हुआ है, सिर्फ 2 प्रीमियम दिया है इन्होंने और जानना चाहते हैं कि ये पॉलिसी कैसी है, जीवन आनंद LIC की बने रहना चाहिए? जी हाँ संदीप, आप ये पॉलिसी में बने रह सकते हैं। ये एक टर्म प्लान नहीं है, जो आपने कहा कि आप टर्म प्लान समझ के आपने लिया है, ये टर्म प्लान नहीं है, ये एक एंडाउमेंट और होल लाइफ पॉलिसी का कॉम्बिनेशन है। अपनी कैटेगरी का, एंडाउमेंट की कैटेगरी या सेविंग्स कैटेगरी का ये जो पॉलिसी है, इट इज नाइस, अपनी कैटेगरी में ये बेहतरीन प्रोडक्ट, सो देयर इज नो डाउट ऑन दैट। ये लेकिन एक सेविंग प्रोडक्ट है, सेविंग कम इंश्योरेंस, ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है आपका, राइट? इट्स नॉट अ टर्म प्लान, ये इन्वेस्टमेंट प्लान तो एकदम ही नहीं है, प्योर टर्म प्लान नहीं है, जबकि इसमें कवर है। दैट्स राइट। ओके, ऑल राइट, तो इसमें कंटिन्यू करना चाहिए, आपकी सलाह ये है। अपने भाई के लिए आप चाहते हैं पॉलिसी लेना, कहा साफ साफ कि टैक्स सेविंग इनका पर्पस है, 24 साल की उम्र है और 20,000 पर मंथ की सैलरी है, क्या सलाह देंगे टैक्स सेविंग के लिए, यूलिप में जाना इस वक्त सही रहेगा? वो कंसिडर कर सकते हैं यूलिप, क्योंकि अभी जब ये चार्जेस रिवाइज होके जो नई पॉलिसीज लॉन्च हुई है वो रीजनेबली ओके हैं। सिर्फ मेरा उनसे ये कहना होगा कि अगर आपके भाई के कोई डिपेंडेंट्स हैं तो आप पहले टर्म पॉलिसी कंसिडर करिए, फिर वो हो जाने के बाद आप एक रेगुलर पॉलिसी या यूलिप या कोई भी एंडाउमेंट या जीवन आनंद जो आपने ले रखी है वो आप कंसिडर कर सकते हैं। हर्ष, इनका एक और सवाल था जो वो फोन पर नहीं पूछ पाए हमारे सामने, जानना चाह रहे थे कि यूलिप एक लेना चाहते हैं 5 साल, क्योंकि अब तो ऐसे भी लॉक इन पीरियड है। That's right. तो 5 साल के लॉक इन पीरियड को ध्यान में रखते हुए कौन सी यूलिप बेहतर होगी? पर्पस गोल हमें फिर से क्लियर नहीं है इनका। करीब ₹2,000 पर मंथ उसमें निवेश कर सकते हैं और इनको 5 साल के बाद 1 से 2 लाख रुपए तक का रिटर्न चाहिए उस स्वाति, इनके लिए मेरे हिसाब से ये बेटर होगा कि क्योंकि इनका सिर्फ 5 ईयर्स का टेन्योर का होराइजन है, ये यूलिप ना लेके ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। ओके, कारण ये है कि यूलिप हम ये समझते हैं जो चार्जेस अभी भी यूलिप में है, हालांकि बहुत हद तक रैशनलाइज कर दिए गए हैं, लेकिन ये जो चार्जेस है इनका जो मेन बेनिफिट या जो इनका ब्रेक इवन पॉइंट अपने देखते हैं दूसरे इन्वेस्टमेंट कैटेगरी से, तो ये ब्रेक इवन आएगा 10 ईयर्स के बियॉन्ड। तो अगर इनका 5 ईयर्स का ही टेन्योर है तो मेरे हिसाब से अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ऑल राइट संदीप, तो आप जीवन आनंद में कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने भाई के लिए आप देख लीजिए टैक्स सेविंग के लिए, लेकिन आप पहले एक टर्म प्लान अपने भाई को जरूर सजेस्ट कीजिए अगर उनके ऊपर कोई और डिपेंडेंट है उनकी फैमिली में। और जहां तक कि यूलिप की बात आप बोल रहे हैं 5 साल का टेन्योर है, क्योंकि लॉक इन तो 5 साल का ही है यूलिप में, आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो हर्ष की सलाह आपके लिए ये है कि आप म्यूचुअल फंड की तरफ देखें, यूलिप की तरफ नहीं। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ पर्पस इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन है, टैक्स सेविंग भी नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ रुख कर सकते हैं। लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। बंगलुरु से सुजान घोष हमारे साथ है। घोष साहब पूछिए, क्या जानना है आपको? हाय स्वाति, एक्चुअली आई एम इन कंफ्यूजन बिटवीन 2 पॉलिसीज। आई डोंट नो व्हेदर शुड आई गो फॉर एंडोमेंट एंड होल लाइफ प्लान और फॉर ए टर्म इंश्योरेंस। LIC एजेंट है सजेस्टेड मी दिस 2 प्लान, जीवन आनंद एंड अमूल्य जीवन। अच्छा, ओके, इन जीवन आनंद द प्रीमियम इज वेरी हाई, इट्स अराउंड 1 लाख पर एनम एंड टर्म इज 21 ईयर्स। अच्छा,
Okay, after that they are telling after maturity you will get around 48 lakh mm-hmm. and after that I will be getting whole life coverage. Achha. Okay, second is term insurance, amount is given. Sum assured is 50 lakh and term is 35 years, premium will be 17,000 per annum. Achha. So my question is whether should I go for which of them, which one should I opt for? सुजान जी एक बात बताइए, अगर आप जब टर्म प्लान की बात कर रहे हैं तो आप प्योर टर्म प्लान लेना चाहते हैं, मतलब ये जिसमें आप पैसे तो डालते जाएंगे, प्रीमियम देना होगा, लेकिन खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को पूरा का पूरा सम अश्योर्ड मिलेगा। अगर आप उस एज को या उस टाइम फ्रेम 30 साल या 25 साल को क्रॉस कर जाते हैं तो आपको कुछ भी वापस नहीं मिलने वाला है। ये टर्म प्लान का मतलब होता है, जो प्योर टर्म प्लान कहते हैं। तो आप ऐसा प्लान लेना चाहते हैं या फिर आप कोई मनी बैक या एंडोमेंट या फिर इस तरह के प्लान की तरफ जाने की सोच रहे हैं? No, actually the confusion is that only. I'm not sure what should I opt for. आपकी उम्र कितनी है? 28. और आपकी फैमिली में और कौन कौन है? Nobody, my parents and my parents, that's all. Your parents, all right. हर्ष क्या सलाह देंगे? सुजान के हिसाब से सिंस बिकॉज उनके फैमिली में डिपेंडेंट नहीं है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि उनके पेरेंट्स उनपे डिपेंडेंट नहीं है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये सेविंग्स प्लान ऑप्ट कर सकते हैं, टर्म प्लान जरूरी नहीं है इनके लिए। जैसे गोइंग फर्दर अगर इनके जैसे डिपेंडेंस शादी हो जाती है या कोई और डिपेंडेंस आ जाते हैं देन ही कैन कंसिडर अ टर्म प्लान। ओके, बट जीवन आनंद सुजान जो आपको एस्टिमेट दिए गए हैं 48 लाख के, मेरे हिसाब से इट इज इन लाइन विद जो आज पॉलिसी में बोनसेस अनाउंस हो रहे हैं, तो कोई ओवर एस्टिमेशन नहीं है। फीचर्स ऑफ द प्लान भी आपको सही बताया गया है, सिर्फ आपको इतना देखना है कि आप पूरा पैसा, क्योंकि इंश्योरेंस आपका रिक्वायरमेंट है नहीं, आपका जो 1 लाख अगर जो भी इन्वेस्टेबल सरप्लस आप बनाते हैं उसको आप स्प्लिट कर लीजिए, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा कि आप सिर्फ जीवन आनंद में न डाल के आप उसे एक डेट और इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाइए, कि आप अपने आप किसी फाइनेंशियल प्लानर से या तो कंसल्ट करिए जो आपकी रिक्वायरमेंट्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको एक ये एसेट एलोकेशन बना के दे दें आपको, कि आप कितना डेट में डालें और कितना इक्विटी में, यही पैसा आप स्प्लिट कर लीजिए। जीवन आनंद अच्छी पॉलिसी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक बात मैं और आपको बता दूं कि मैच्योरिटी पे जो आपने 48 लाख कहा है, इसके अलावा आप में एक और फीचर है कि सरेंडर ऑफ डेथ बेनिफिट, यह पता करवा लीजिए तो शायद आपका मैच्योरिटी प्रोसीड्स बढ़ जाए उसमें। ऑल राइट, जब आप पॉलिसी खरीदते हैं तो ये जरूर पता करें कि वो मनी बैक है, एंडोमेंट है या फिर टर्म पॉलिसी है। याद रखें टर्म प्लान में प्रीमियम बहुत कम होता है, लेकिन वो टर्म ओवर मतलब उसको पार कर जाने के बाद आपको कुछ नहीं मिलता है। करेंगे इस पूरी बात पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक योर मनी में, आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हर्षवर्धन रूंगटा। लेते हैं अगला सवाल, छिंदवाड़ा से जितेंद्र धमानकर हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी पूछिए, क्या है आपका सवाल? गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली मैंने टाटा AIG का टर्म इंश्योरेंस लिया है 20 लाख का और 25 साल के लिए, बट मैं चाह रहा हूँ कि उसको स्विच करके किसी सस्ते प्लान में जाऊँ क्योंकि इसका प्रीमियम थोड़ा मेरे को ज्यादा लग रहा है। तो 25 लाख का प्लान चाहता हूँ टर्म प्लान और 30 साल के लिए। ओके। और एक मेडिक्लेम पॉलिसी चाहता हूँ मेरे और मेरी वाइफ के लिए 5 लाख के लिए। ओके, आपकी उम्र कितनी है, आपकी वाइफ की उम्र कितनी है? मेरी उम्र 28 ईयर्स है और वाइफ 23-24 समथिंग। ओके, और आपकी इनकम कितनी जितेंद्र जी, अगर आप शेयर कर सके हमारे साथ तो? इनकम मैडम 35-40। 35-40। ऑल राइट हर्ष, पहली बात तो ये इनके इनकम को देखते हुए इनको कितने का कवर चाहिए हो, मतलब एक थंब रूल क्या कहता है आपका? मैं इनसे सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 10 टाइम्स ऑफ अपनी इनकम का कवर कंसिडर करें तो इनके लिए अप्रोप्रिएट कवर होगा। बिकॉज अगर हम बात करते हैं अंडर इंश्योरेंस और ओवर इंश्योरेंस की, तो 10 टाइम्स तक अप्रोप्रिएट है। बाकी अपनी लाइबिलिटी असेस कर लें कि उन्हें कितना प्रोविजन बनाना है, ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास प्रोविजन अलग से है जी, तो 10 टाइम्स का रूल मतलब इतना हार्ड फास्ट नहीं है। दूसरी बात, जो इन्होंने टर्म प्लान खरीदने की बात की, इनका विचार अच्छा है क्योंकि इन्होंने जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी ले रखी है काफी शॉर्ट टेन्योर के लिए है और वो खुद 28 साल के ही है जी।
तो जब ये पॉलिसी एक्सपायर होगी या मेच्योर होगी तब उन्हें वापस एक दूसरा इंश्योरेंस लेना होगा। तो उससे बेहतर है कि वो आज ही एक लंबे अरसे के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी कंसिडर करें। ओके, ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का जितेंद्र जी दो तरीका है। एक है आप एक एडवाइजर या एजेंट के थ्रू जाएं जो आपको पॉलिसी खरीदने में आपकी मदद कर सकते हैं। इस अगर ये रूट से आप जाते हैं तो आपका ये 25 लाख का इंश्योरेंस करीबन 6000 रुपए में आ जाएगा। ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के रेगुलर प्योर प्रोटेक्ट पॉलिसी की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप टेक्नोलॉजिकली थोड़े सैवी हैं और फाइनेंशियली सैवी हैं तो आप आईसीआईसीआई की आई प्रोटेक्ट एक ऑनलाइन पॉलिसी है उसे आप जाके ट्राई कर सकते हैं। उसे आपको खुद खरीदना होगा, उसमें सारे प्रोसेस आपको खुद कंप्लीट करने होंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो प्रीमियम में डिस्काउंट रहता है बिकॉज आप कोई कमीशन नहीं रहते हैं तो वो डिस्काउंट कंपनी आपको प्रीमियम कम चार्ज करने के रूप में आप आसान कर देती है। तो आप अगर वो कंसिडर करते हैं तो आपका प्रीमियम करीबन 30% या 35% और कम हो जाएगा। जहां तक मेडिक्लेम का सवाल है जी, आप जो सिटी में रहते हैं, आप जो एरिया में रहते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की पॉलिसी कंसिडर करिए, जैसे न्यू इंडिया एश्योरेंस हो गई, यूनाइटेड इंडिया नेशनल या ओरिएंटल। कारण यह है इन कंपनीज का जो ब्रांच का नेटवर्क और हॉस्पिटल का नेटवर्क है वो आपके जोन के हिसाब से ज्यादा बेहतर होगा, आपके कन्वीनियंट रहेगा। दूसरा, ये कंपनीज टीयर टू सिटीज, ये जोन टू में अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको डिस्काउंट प्रीमियम भी कम चार्ज करती है। तो आप वो अपने एरिया के हिसाब से, अपने जोन के हिसाब से ये प्रीमियम चेक करवा लीजिए। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे और उसके जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज। वेलकम बैक योर मनी में। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हर्षवर्धन रूंगटा। लेते हैं अगला सवाल। सुमित गर्ग हमारे साथ हैं। सुमित जी पूछिए, क्या जानना है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, एक्चुअली मैं एक आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट का ये इंश्योरेंस प्लान लेना चाहता था। उससे रिलेटेड मेरे तीन क्वेरी थे। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास ये टेन्योर पूरा होने के बाद हमें कुछ अमाउंट रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर कुछ नहीं होता तो। और सेकेंडली मेरा क्वेरी ये है कि अगर डेथ हो जाती है पर्टिकुलर किसी सर्कमस्टांसेस डिफाइन है कि इसी डेथ के ऊपर हमें क्लेम मिलेगा, ऐसी केस में डेथ हो गई तो हमें क्लेम नहीं मिलेगा। सपोज की सुसाइड हो जाती है, मतलब कुछ भी कि हमें क्लेम नहीं मिलेगा कोई पर्टिकुलर। थर्डली जो ये क्लेम मिलते हैं सिर्फ डिपेंडेंट को मिलते हैं या हमारे पास ऑप्शन है, हम किसी को भी मतलब क्लेम जो ले सकते हैं हम ऑप्शन रख सकते हैं? ये थ्री क्वेरी है मेरी। ऑल राइट, पहली बात तो ये सुमित जी और हर्ष आप भी यही बोलेंगे कि टर्म पॉलिसी में अगर आप वो टर्म को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके हाथ में एक पैसा भी वापस नहीं आने वाला है। आगे आप सुमित, मैं आपको एक थोड़ा अनरिलेटेड एग्जांपल देता हूं। आप एक मूवी देखने जाते हैं, टिकट खरीदते हैं और मूवी देख के जब बाहर आते हैं तो आपने जो सर्विसेज अवेल करनी थी, मूवी देखने की जो सर्विसेज थी वो आपने अवेल कर चुकी है। सेम वे टर्म प्लान होता है। आपको कंपनी एक प्रॉमिस करती है कि मैं 50 लाख का आपको, आपके परिवार को पेमेंट करूंगा सिर्फ इतने के लिए कि आप मुझे हर साल का 5200 रुपया दीजिए। तो आपको यह समझना होगा कि कंपनी के कॉस्ट होते हैं आपसे 5200 लेके कंपनी आपको 50 लाख का अश्योरेंस दे रही है कि आपके परिवार को हम 50 लाख रुपीज देंगे। अगर उस साल में आपके अगर डेथ नहीं होती है तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कंपनी कैन अफोर्ड कि वो आपको 5200 रुपया वापस कर दें। हालांकि मार्केट में एक अलग तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं जिसे हम कहते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम। तो अगर आप वो प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें वो फीचर होता है कि अगर आपकी अगर मृत्यु अगले 30 साल में नहीं हुई तो आपने जो भी प्रीमियम भरा है वो हम आपको वापस कर देंगे। इसे कहते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम। सिर्फ इसमें यह है कि आपसे 5200 रुपया नहीं लेके वो आपसे शायद 15 या 20 हजार रुपया आपसे लेंगे और वही पैसा हर साल का आपको रिटर्न कर देंगे विदाउट इंटरेस्ट। तो आपको ये, आपके लिए मैं ये फिर भी सजेस्ट करूंगा कि आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम मत कंसिडर करिए, आप रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी लीजिए जो आपके लिए बेहतर होगा। जो आपका दूसरा सवाल था कि डेथ कोई भी सर्कमस्टेंसेस में मिलती है कि नहीं, यस डेथ ड्यू टू एनी रीजन आपको क्लेम मिलेगा। सिर्फ इतना है कि जो सुसाइड एक क्लॉज होता है कि अगर डेथ बिकॉज ऑफ सुसाइड फर्स्ट ईयर में होती है तो आपको पेमेंट नहीं मिलता, आपके परिवार को पेमेंट नहीं मिलता है। हालांकि वन ईयर बाद सुसाइड भी इंक्लूडेड रहता है। और किसे क्लेम मिलेगा? नॉमिनी को ऑफकोर्स। हाँ, आपको नहीं, एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली एक एरिया है। सिर्फ इतना है कि आप जब पॉलिसी लेते हैं या लेने के बाद आपको पॉलिसी में कंपनी एक नॉमिनी बनाना होगा
आपको कंपनी में इंटीमेट करना होगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन को आप पैसे दें, वो जो आपका नॉर्मली डिपेंडेंट या रिलेटिव होना चाहिए. सो दैट इज बेटर. ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया.